दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके स्मार्टफोन का जो डेटा है वो जल्दी खत्म हो जाता है, भले ही आपने 1 GB या फिर 1.5 GB का रिचार्ज करवाया हो अपने नंबर पे। और अगर आपका जो इंटरनेट है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपके लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुल यहाँ पर 5 ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जो कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में कर देते हो तो आपका जो इंटरनेट है वो पूरे दिन चलने वाला है, भले ही आपका जो रिचार्ज है वो 1 GB वाला हो या फिर 1.5 GB वाला हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो सेटिंग्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो फोन है वो भी काफी फास्ट चलेगा और इंटरनेट तो बचेगा ही। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेटिंग से। सबसे पहली जो सेटिंग आपके स्मार्टफोन में करनी जिससे आपका जो इंटरनेट है वो काफी हद तक बचने वाला है, ये जो सेटिंग है वो लगभग सबके स्मार्टफोन में होनी ही चाहिए। तो ये सेटिंग आपको करनी है आपके स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में। यहाँ पर सिंपली प्ले स्टोर एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में सिंपली आपको जाना है इसके सेटिंग में। सेटिंग यहां पर आपको नीचे मिलेगी। बेसिकली जब आप अपने 3 डॉट इसे प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में आपको यहां पर सिंपली जाना है। सेटिंग में आप जाएंगे तो आपको यहां पर नेटवर्क प्रेफरेंसेस का एक सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा। इस पे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पे जो कि है ऑटो अपडेट एप्स। इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है और इसमें आपका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है उसमें सेकंड नंबर की सेटिंग रहती है कि आपका जो फोन है वो मोबाइल एप्लीकेशंस को लिमिटेड डेटा के साथ में अपडेट करेगा। तो यहां से क्या होता है कि आपने अपने स्मार्टफोन में जितनी भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया है वो सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ही अपडेट होती रहती हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो उससे आपका जो डेटा है वो बैकग्राउंड में यूज भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये जो सेटिंग है वो सिंपली आपको डू नॉट ऑटो अपडेट एप्स पे क्लिक करना है कि जब आप अपडेट करें तभी एप्लीकेशन अपडेट हो, अपने आप से फोन एप्लीकेशंस को अपडेट ना करे। तो ये जो सेटिंग है जो आप कर देंगे तो आपका जो इंटरनेट है वो काफी हद तक बचने लगेगा। ऐसे में जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पर डेटा को यूज करके एप्लीकेशन को अपडेट भी कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये सेटिंग आपको कर देनी है। दूसरे नंबर की सेटिंग के बारे में आपको बताऊं तो दूसरे नंबर की जो सेटिंग है वो आपको फिलहाल आपके यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर करनी है। यूट्यूब एप्लीकेशन को सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में सिंपली यहाँ पर आपको जाना है अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर एक सेटिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक दो सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर डाटा सेविंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो डाटा सेविंग मोड सिंपली आपको YouTube से यहाँ पर ऑन कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी वो YouTube अपने इस हिसाब से डिसाइड करेगा ताकि आपका जो डेटा है वो ज्यादा खर्च ना हो, जिससे आप ज्यादा लंबे समय तक वीडियोस को देख पाए। साथ में आप यहाँ पर डाउनलोड क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देगा, साथ में यहाँ पर जो स्मार्ट डाउनलोड क्वालिटी को भी रिड्यूस करेगा और साथ में जो आपके बैकग्राउंड में वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होती हैं जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसको भी बंद कर देगा, जिससे आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगी। जो आप वीडियो देखेंगे वही वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्ले होगी। साथ में आपको वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें भी आपको ऑटो रिकमेंडेड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट होगा, लेकिन आपको डाटा सेवर मोड पे ही इसको रखना है जिससे आपकी जो क्वालिटी है मोबाइल डेटा के ऊपर यहाँ पर इस हिसाब से सिलेक्ट हो जाएगी ताकि अच्छी क्वालिटी भी आपको मिले और आपका जो डेटा है वो भी ज्यादा यूज ना हो। तो ये सेटिंग आपको यूट्यूब के अंदर जरूर करनी है, यहाँ से ही ज्यादातर जो डेटा है वो खर्च होता है। अब दोस्तों अगली जो सेटिंग आपको करनी है वो हो सकता है आपके स्मार्टफोन में हो तो आप कर लेना, अगर आपके स्मार्टफोन में नहीं होगी तो आप मत करना। यहाँ पर काफी सारे स्मार्टफोन में जब आप इस नोटिफिकेशन पैनल को नीचे खींचेंगे तो आपको यहाँ पर एक डाटा सेवर मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो डाटा सेवर मोड को जरूर आप हमेशा ऑन करके रखें। जैसे यहाँ पर अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से ज्यादातर स्मार्टफोन में एक डाटा सेवर मोड करके आता है। अगर आपके स्मार्टफोन में डाटा सेवर मोड दिया हुआ है तो आप उसको जरूर से ऑन करके रखें। इससे आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो काफी हद तक सेव होगा और आपका फोन उसी जगह पे डेटा को यूज करेगा जहां पे यूज करने की जरूरत रहेगी। यहां पर अगर बात करूं मैं चौथी सेटिंग के बारे में तो चौथी जो सेटिंग है वो बेसिकली आपके स्मार्टफोन के एप्लीकेशन के अंदर है। आप जितनी भी अपने स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस को यूज करते हैं यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उनको छोड़ करके जो भी ज्यादातर एप्लीकेशन ऐसी होती है जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, डेली यूज नहीं करते, कभी कभार उसका यूज करते हैं, तो जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि यार इसका मैं डेली यूज नहीं करता, अब जैसे फ्लिपकार्ट का यूज है तो फ्लिपकार्ट का यूज आप तभी करेंगे जब आपको कुछ सामान मंगाना हो, नहीं तो जब आपको कुछ भी खरीदना नहीं है तो ऐसे में फ्लिपकार्ट डायरेक्टली यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि फ्लिपकार्ट जो है वो आपके बैकग्राउंड में भी जो डेटा है वो उसको यूज कर रहा है और तभी वो आपको नोटिफिकेशन भी सेंड करता है। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करना है, थोड़ा देर प्रेस करके रखना
बाएं प्रेस करके रखेंगे तो इस टाइप का मेनू खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको ऐप इन्फो में क्लिक कर देना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ऑटो स्टार्ट आपको बंद कर देना है। ऑटो स्टार्ट आप इसका बंद करेंगे। ऑटो स्टार्ट से दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपका फोन स्विच ऑन होगा, ये जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली आपके डेटा को यूज करना स्टार्ट कर देगी। तो सिंपली ऑटो स्टार्ट आपको बंद करना है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेस, आप यहाँ पर इसके डाटा यूजेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जब मैं इस एप्लीकेशन को खोलूंगा तभी एप्लीकेशन डाटा यूज करे, अदरवाइज ये जो एप्लीकेशन है डाटा को यूज ना करे। तो यहां पर मोबाइल डाटा को आप हटा करके वाईफाई को सिलेक्ट रख सकते हैं, जिससे ये जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में डाटा को बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा और इससे आपका जो डाटा है वो फिलहाल यहां पर बचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चौथी सेटिंग ये थी। अब दोस्तों अगली सेटिंग जो आपको करनी है, अगली सेटिंग आपको ये करनी है कि सिंपली आपके फोन में एक गूगल का फोल्डर होगा, इस फोल्डर में आपको गूगल के जितने भी एप्लीकेशन है वो यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली इसमें आपको एक फोल्डर, इसमें आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है गूगल फोटोज, और ये हर स्मार्टफोन में होता ही है। जो अब सिंपली यहां पर इसके अंदर आपको क्या करनी है, इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे यहां पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर इसकी जो फोटोज की सेटिंग है वो खुल करके आ जाएगी। यहां पर फोटो सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इसकी सेटिंग के अंदर आपको एक सबसे ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बैकअप। तो बैकअप वाला जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली आपको ऑफ करके रखना है। अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फोटोज है वो यहां पर गूगल फोटो पे बैकअप हो जाए, तो उन फोल्डर को सिर्फ और सिर्फ आप सेलेक्ट करिए। आप यहां पर अगर इसको डायरेक्टली यहां से सिर्फ और सिर्फ ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद में आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये आपके फोन में जितनी भी फोटोज वगैरह हैं उन सारी फोटोज को ये आपके मोबाइल डेटा के ऊपर ही उसका बैकअप क्रिएट करता रहेगा, उसे गूगल फोटोज के सर्वर पर अपलोड करता रहेगा, जिससे आपका जो मोबाइल डेटा है वो यूज होगा। तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकअप क्वालिटी, तो बैकअप क्वालिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका जो डेटा है वो यहां पर सेव होगा। तो ओरिजिनल क्वालिटी अगर आप चाहते हो तो आप रख सकते हैं। साथ में मोबाइल डेटा यूजेस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें आप नो डेटा इसको सेलेक्ट करें। आपका बाय डिफॉल्ट यहां पर अनलिमिटेड वगैरह या फिर 30 MB वगैरह पे सेट होगा, तो इसको हटा करके आप नो डेटा पे क्लिक करें, जिससे आपका जो मोबाइल डेटा है वो यहां पर ये कम से कम यूज करेगा या फिर यूज नहीं करेगा। अनलिमिटेड पे रखेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा मोबाइल डेटा है उसको ये यूज कर लेगा और यूज करने के बाद में ये आपकी फोटोज को अपलोड करता रहेगा, वहां पे बैकअप क्रिएट करता रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा को यूज करता है बैकग्राउंड में, जो कि हमें पता नहीं चलता। तो ये कुछ 5 सेटिंग्स हैं जो कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में अभी कभी करते हैं तो आपका जो इंटरनेट है वो काफी बचने लगेगा और आप 1 या 1.5 GB इंटरनेट को ही पूरे दिन यूज कर पाएंगे। तो फिलहाल ये कुछ ट्रिक्स हैं। आपका क्या ओपिनियन है सभी चीजों के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल यही था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।